नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, चींटियां जितनी छोटी होती हैं उतनी ही तेज भी होती हैं। जब किसी को काट लेती हैं तो दांतों तले उंगली भी दबाना पड़ जाता है। वहीं हाल ही में क्या आप जानते हैं कि चींटियों की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, इसी को लेकर आज की हमारी ये पूरी खबर है। दरअसल दोस्तों, क्रूरता से काट लेने वाली ये चींटियां असल में उतनी ही खौफनाक भी दिखती हैं। आपको बता दें कि विश्व स्तर पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता के चलते चींटियों की तस्वीर सामने आई। दरअसल स्मॉल वर्ल्ड फोटो माइक्रोग्राफी कंपटीशन 2022 हुआ था, जिसमें छोटे जीवों की तस्वीर खींचकर भेजना था। इस कंपटीशन के तहत एक व्यक्ति ने चींटी की ऐसी तस्वीर को साझा किया कि सबके सब हैरान हो गए। दरअसल चींटी के चेहरे की इस तस्वीर को देखकर लोग डर गए कि वाकई में ये चींटी ही है। फोटोग्राफर के द्वारा खींची गई ये तस्वीर बेहद ही हैरान करने वाली थी, जिसको देखकर जजों का ध्यान इसकी तरफ खींचा ही चला गया। दरअसल यूजीनियस कवालिया उस्कस, जो कि लिथुआनिया के फोटोग्राफर हैं, ने इस तस्वीर को कैद किया और जजों को ध्यान करने पर मजबूर कर दिया। इस तस्वीर का जो टाइटल था वो था आंट। चींटी के एलियन जैसे चेहरे को एक स्टीरियो 10x माइक्रोस्कोप से 5 बार बड़ा करके कैप्चर किया गया था। ये तस्वीर जजों को इतनी शानदार लगी कि इस इमेज को जजों ने इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्शंस वर्ग में रखकर पुरस्कृत किया। दोस्तों, कुछ एंटोमोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि कुछ पैरासाइट्स चींटियों के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, उनको जॉम्बी में बदल देते हैं। इस दौरान चींटियां उनके इशारों पर ही काम करती हैं। दिमाग को कंट्रोल करने वाले ये जो फंगस होते हैं वो चींटियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जहां ये विकसित होते हैं और फैलते जाते हैं। अब चूंकि कंट्रोल उनके हाथों में होता है, इसके चलते चींटियों की चाल में दिन ब दिन बदलाव होने लगता है। जहां चींटियां एक सीध में चलती है, वहां चींटियां बिना लक्ष्य के इधर उधर घूमती नजर आती हैं, गोल गोल भी घूमती नजर आती हैं, वहीं ज्यादा चलती ही नहीं ऐसी भी नजर आती हैं। वहीं इस बीमारी की आखिरी स्टेज पर ये किसी झाड़ी की सबसे ऊपरी सतह को खोजती है, जिस पर ये अपने समय को काटती है। इसके बाद वहीं पर अपना जीवन त्याग देती है और फिर ये खतरनाक फंगस अब इनके शरीर से निकलकर किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। तो दोस्तों, चींटियां इतनी छोटी होती हैं कि ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ती। ऐसे में ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि चींटियों का चेहरा कैसा दिखता होगा, लेकिन ये मुश्किल आसान कर दी है एक फोटोग्राफर जिनका नाम है यूजीनियस कवालिया उस्कस, जो कि लिथुआनिया के हैं। दोस्तों, ये थी पूरी बात जहां चींटी के चेहरे की एक बेहद डरावनी फोटो सामने आई है को लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। नमस्कार।